हम अध्याय 13 में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के सवालों को का अध्ययन कर रहे थे। आइए इसके और इम्पोर्टेंट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई और जेड है। सिद्ध कीजिए कि घनाभ का आयतन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई जेड है। बच्चों देख रहे हैं चित्र, ये होता है घनाभ, ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों जो है क्या है, अलग अलग लंबाई की जो है भुजाएं होती है। माना घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एल बी और एच। एक प्रश्न अनुसार एल इंटू बी इज इक्वल टू है एक्स, बी इंटू एच इज इक्वल टू वाई और एच इंटू एल इज इक्वल टू है जेड। ये है आपके समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 का गुणा करने पर तो ये पक्ष कहलाता है एल एच एस दाहिना पक्ष, ठीक, और ये पक्ष कहलाता है आर एच एस, ठीक। ये कब बराबर होगा, जब एल एच एस जो कब सिद्ध करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उस के बराबर होगा, ठीक है। तो L into B, B into H, H into L, इस पक्ष का गुणा किया बराबर, फिर X into Y into Z, ये भी गुणा किया। अब L जो है वो दो बार है तो L square, B square और H square, two times is equal to X, Y और Z, ठीक। अब L, B और H का whole square लिख सकते हैं इसको, is equal to x, y and z। अब L, B, H की वैल्यू निकालेंगे तो L, B, H is equal to square root of, दोनों तरफ करेंगे तो आ जाएगा यहाँ square root of x, y and z, ठीक। अतः घनाभ का आयतन बराबर होता है square root of x, y, z, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है, कि इसका आयतन ना हो। प्रश्न, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना R1 और R2 दोनों गुब्बारे की त्रिज्या है, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात तो गोले का क्षेत्रफल होता है R/R², ठीक है। अब यहाँ क्या है, दो है, ठीक, दो बलून है, ओके, तो पहली त्रिज्या, पहले बलून की त्रिज्या R1 होगी और दूसरे बलून की त्रिज्या R2 होगी, तो अनुपात मतलब क्या होता है, दोनों का रेशियो R1/R2, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर्मूले के हिसाब से 4πR1² / 4πR2², ठीक, देन 4π दोनों कैंसिल होगा, ठीक है। दिस 4 4π r 1² / 4π r³, ठीक है, स्क्वायर 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो शेष आएगा R1² / R2². अब R1 त्रिज्या जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 7 × 7 / R2 दी गई है 14 × 14, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे तो यानी संख्या को शॉर्ट करेंगे, ये होगा 7, ये एक बार होगा, ये दो बार, दोनों संख्याओं का गुणा 1 × 1 = 1 होगा, डिवाइडेड बाय फिर से 2 × 2 = कितना होगा, 4, संख्या प्राप्त होगी 1/4, या क्या लिख सकते हैं अनुपात के फॉर्म में 1/4, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो किसी भी चीज, तो
दवाई का आयतन याद करेंगे बराबर होगा गोले का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो टंकी की क्षमता है 4/3 πr। अब इसको सॉल्व करेंगे, r की वैल्यू दी गई है इसमें, r इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर। रिजल्ट के लिए किसी भी गोले की, ठीक है। तो ये हो गई, और r की वैल्यू, पाई की वैल्यू मालूम है आपको, 22/7। हल करेंगे 4/3 22/7 इंटू आर 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 4/3 12/7 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे अभी, तो दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 20, ठीक है। अब यहाँ 7 से इसको कैसे करेंगे, ये जाएगा 5 बार, ठीक है। इसी प्रकार ये जाए, इसको हल करेंगे, ये 10 और ये 11, 2 से ये 2 बार कैंसिल होगा और ये 5, ठीक है। ठीक इसी प्रकार दशमलव, सारे दशमलव हटा देंगे तो सब में ये इस प्रकार होगा, 2 × 11 × 5 × फिर यहाँ 35 × 35 डिवाइड बाय 20 था, यहाँ भी 20, ठीक, यहाँ डिवाइड बाय 3 था 1, 5 डिवाइड बाय 5 था। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे 2 से तो ये 10 होगा, फिर इसको हल करेंगे तो 5 से और ये 7 बार, ठीक है। फिर इसी प्रकार आगे भी संख्याओं को हल करेंगे और लिखेंगे यहाँ 11 × 6 × 7 × 5 / 3 × 2 × 20। इसको भी और सॉल्व करेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, फिर और सॉल्व करने पे आ जाएगा 134.7/3। ठीक इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो ये आंसर संख्या का इसका आयतन है। एक और प्रश्न, माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ऐसी 12 डिब्बियों के का आयतन, तो क्वेश्चन इसमें दे दिया है, क्या याद करना है। आयतन याद करना, ठीक है। तो माचिस की डिब्बी की माप है एल, ये लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। ये जाएगा एल इज इक्वल टू 4 लंबाई, बी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड एच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। अब आयतन का फॉर्मूला है कि एल बी एच, घनाक का आयतन होता है एल बी एच, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू 4 × 2.5 × 1.5। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, दशमलव हटाएंगे तो वैसे वही प्रक्रिया करेंगे, दशमलव यहां से हटाया हो जाएगा 4 × 2.5 से 25/10 × 15/10, ठीक। सो अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 से इसको सॉल्व करेंगे, 5 से ये 5 बार कैंसिल होगा, ये भी होगा, ये 2 बार होगा, ये 3 बार कैंसिल होगा, ठीक। इसी प्रकार 2 से ये कैंसिल होगा और ये 2 से, ठीक। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो हर वाली संख्या एक शेष एक होगा, बाकी संख्या जो होगी 5 × 3 1 × 1, तो ये 5 × 3 होता है 15/1, 15 a/1, 1 से 15 को भागित करेंगे तो 15 ही आएगा, तो उत्तर होगा 15 cm, ठीक। अब ये हो गया है कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन, अब इसको आगे हल करेंगे कि 12 माचिस, ये हल हो गया है एक
एक का, है ना, एक, ठीक है, एक का ये आयतन ज्ञात हो गया है। अब क्या करेंगे, 12 का करेंगे, ठीक है। तो एक का यदि 15 है तो 12 का कितना होगा, 12 इंटू ये 15, दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180 घन सेंटीमीटर, ये 12 का हल।